अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक भंटा लाल यादव 17 सितंबर 2016 की भोर में यानी 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी सेना के शिविर में शहीद हुए 18 नौजवानों को सच्ची श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और फौजी सुनील कुमार विद्यार्थी पर एक वीर रस का बिरहा भेज रहा हूं। जौना कैसेट के नाम बा शहीद फौजी सुनील कुमार विद्यार्थी की श्रद्धांजलि उर्फ 17 सितंबर 2016 की भोर में यानी 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी कैंप पर हमला। तो हमरा उम्मीद बा कि आप लोग जरूर पसंद करब। जो इस कैसेट में आशीर्वाद दिए हैं फौजी के पिता मथुरा यादव, भाई सुधीर, ओम प्रकाश, विशेष सहयोग देने वाले हमारे विजय यादव डुमरा, डॉक्टर अजय यादव कोडिहरा एवं संजय यादव हसपुरा, त चार लाइन भूमिका के अंदर कहनाम दिहल गई। देश के जज्बा जिसके हृदय में भरा वो सहन नहीं करता किसी की चुनौती, रंधीर रन में जौहर दिखाता, अपने बाजू शहर को मिटा देता हस्ती। कसम है हमारा ये भारत माता की, कदम हमारी पीछे नहीं हटती, है कश्मीर हमारा हमारी रहेगी, नहीं है तुम्हारा ये बाप की बपौती। यहाँ एक लाइन बीरन खातिर बात लिखल गई, का लिखल गई, कि अरे बीरों की वीरता सुन के जिगर उन्माद भरता है, याद करता है। ए भैया, कहानी की शुरुआत ही से बा, ई कहानी शीशा के जैसन झलकत बा, जैसे शीशा में सूरत लौकेला। हमरा घमंड तो ना बा लेकिन वादा जरूर बा कि रउआ लोग शांति से अगर सुनब तो रोम जरूर कांप जाई। नजम के लाइन बा मास्टर, बिहार राजगया जिला की कहानी है, थाना वो कनारी की दस्तानी है। सुनील विद्यार्थी एक फौजी जवान रहे, मथुरा यादव के मंझला संतान रहे, भाई सुधीर बड़ा छोटा ओम प्रकाश रहे, बहन रेणु देवी के दिल में बड़ा आस रहे, पत्नी किरण कुमारी सदा आभारी थी, बेटिया आरती अंशु अंशिता कुमारी थी, बेटवा आयरन राज एकलौता दुलार रहा, दुई बरस के बेटा अखिया के तार रहा,
गया चंदौती में किराए पर अब रखते थे, सभी को पढ़ाया लिखाया अब करते थे। सत्रह सितंबर की भोर का मगिन हुई, सत्रह सितंबर की भोर का मगिन हुई, भौजी सुनील यही दुनिया से विलीन हुई। ए भैया, ई कहानी साफ साफ समझला, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, कोई कपोल बात नहीं। पेपर पत्रिका टीवी पर आप लोग देखे होंगे, 17 सितंबर के 3 बजे भोर में यानी 18 सितंबर 2016 की कश्मीर के उरी कैंप पर सोए हुए फौजी पर पापी पाकिस्तान एक व एक हमला बोल दिया, जिसे हमारे हिंदुस्तान के 18 फौजी शहीद हो गए। सुनने में बड़ा गजब सा लगता है। उसी फौजी में एक मगध की धरती गया जिला परैया थाना बोकनारी गांव के रहने वाले फौजी सुनील कुमार विद्यार्थी, पिता मथुरा जादव, माता कुंती देवी के मंझला सुपुत्र थे। बड़ा भाई का नाम सुधीर, छोटा भाई का नाम ओम प्रकाश, बड़ा गरीब का बेटा फौजी, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मथुरा जादव फौजी बेटवा के पढ़ाया लिखाया करते थे। 1995 में मैट्रिक पास कैला के बाद 1998 में आईए कैलन, और 1998 में ही फौज की बहाली निकली, जिसमें फौजी सुनील भर्ती हो गए। और 2000 में फतेहपुर प्रखंड के पहाड़पुर गणेशडीह गांव में राम स्वरूप जादव की सुपुत्री किरण कुमारी से शादी हो गई। समय बीते लगल, आखिर भगवान उ परिवार में 3 बेटी 1 बेटा दिहलन, जौना के नाम आरती अंशु अंशिता बतावल गई, और 2 बरस का एकलौता बेटा आयरन। जब फौजी जून 2016 में 1 महीना के छुट्टी पर घर आए थे और जब कश्मीर के सीमा पर जाने को तैयारी किए, तो पत्नी किरण अपने पति से एक बात कहलिन, का कहलिन भाव लगल, जाए के तो जाई था सैया सीमा के बॉर्डरवा, पर जरूर आई हा, ए जरूर आई हा घरवा पर बहरवा, मैं जरूर आई। ए बाबू, किरण अपने पतिदेव से कहलन की जाए के तो जाई था सियाँ, लेकिन पर्व त्योहार में छुट्टी लेके घर पर जरूर आइया। जौन बड़ बेटी आबे आरती, वो भी अपने पापा के समझौले बानी, का समझौले बानी, आरती अंशु अंशिता बिटिया बोली समझाई, कहीं आला आई बा पापा दिया ता बताई, बड़ बेटिया आरती कहले वन आयरन भैयावा के खातिर छोटे गो खिलावा, ना जरूर लाई हा।
बाबू, पत्नी किरण आंख में आंसू लेकर कलिन की जाए के तो जाई था सैया सीमा पर, लेकिन पर्व त्योहार में छुट्टी लेके जरूर आईहा। दुल्हन के आंख में आंसू देख करके फौजी सुनील कहे कि तुम एक बहादुर फौजी की पत्नी हो, तुम्हारी आंख में आंसू शोभा नहीं देता, तुम्हारी गोद में भगवान तीन बेटी एक बेटा देले हुवन, यही बचपन के पढ़ैया लिखैया तो कैसे पढ़ैया, बिरहा में भाव लग गई मास्टर। फौजी सुनील सीमा पर जाने को तैयारी किए, अपनी धर्मपत्नी किरण से कहलन का कहलन, गाया चंदौती डरावा मैं समैया बीत हाजी, ए आयरन के मम्मी आजी, ए आयरन के तीनों बेटियन के पढ़ाई हाजी, ए बाबू। फौजी सुनील वर्दी को पहन करके सीमा पर जाने को तैयारी किए, तौना समय अपने धर्म पत्नी किरण को समझा रहे हैं बढ़िया से, तीनों बेटियन के पढ़ाई है, अगर कोई खर्चा घटे तो तुरते तू फोन पर बतियै है का कहलन, यदि कोई खर्चा घटे तो तुरते फोनवा पर बतिया बताई हा, नहीं तो घरवा पापा भाई से जाकर के अर्जी सुनाई हाँ, इकलौता आयरन बेटा के गाय के दूध पिलै हाजी, ए अंशुआ के मम्मी आजी, ए अंशुआ के मम्मी अब तू तनियो ना घबड़ै हाजी, फौजी सुनील अपनी पत्नी किरण से कहलन की चंदौती डेरा में रह के लैकन के पढ़ैया लिखैया। फौजी के साला शिव शंकर जी ने बताया कि जीजा जी बराबर फोन किया करते थे, लेकिन कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण 17 दिनों के बाद 17 सितंबर 2016 की रात 10 बजे फोन आया, सारा हाल चाल लिए। इसके बाद अपनी पत्नी किरण और बड़ बेटी आरती से फोन पर दशहरा में छुट्टी लेके घर आवे के बतौलन, का मतौलन, बिरहा में भाव लग गई मास्टर। यही बतौलन, दशहरा में छुट्टी लेके सतमी के आवत बानी घरवाना, भौजी सुनील समझौले हुवन बड़ बिटिया के, दशहरा में छुट्टी लेके सतमी के आवत बानी घरवाना, की बेटी गे चिंता जानकारी हाथी की रवाना,
आरती के फौजी सुनील बतावत हुन का बतावत हुन दिहानी आवे दनहामा बीस दिन के छुटिया छुटिया में आई बतबानाई घरवा घुटिया ए बेटी घबराइया मत हम 20 दिन के छुट्टी के मुख्यालय में आवेदन देले बानी 20 दिन के छुट्टी में दशहरा के सप्तमी के हम घरे पहुंच जाई आ जब घरे आई तो दशहरा बाद जौन हम जमीन खरीद ले बानी घुटिया में चंदौती घुटिया में उ जमीन में हम मकान बनवाई बेटी से कहले उनका कहले मन घरवा जब आई बेटी मेलवा घुमाई बदा सहारा हो दा सहारा तब बेटी गे अरे बेटी गे चिंता जानकारी हाथी की रवाना भैया 11 बजे रात के फौजी सुनील अपनी पत्नी किरण और बड़ बेटी आरती से कहले हुन बेटी तू चिंता मत करिहा बढ़िया से बाबू आयरन के रखिहा रात बीतत बा तू लोग सो जा हम भी सोए जात बा ए शब्द बाबूजी बातचीत के अंतिम लाइन थे जब ठीक 17 सितंबर 2016 की 3 बजे भोर में यानी 18 सितंबर को क्रियाक्रम के लिए बाहर निकले थे त्यों ही एक बम फटने की आवाज आई उसी समय सुनील फौजी एक बात सोचे का सोचे टेरी के भाव लग गई कि अरे पानी पर हम कुर्बानी होइबे कि अरे पानी पर हम कुर्बानी होइबे तो गरजा वीर सुनील अरे गरजा वीर सुनील विद्यार्थी हिंदुस्तानी ए भैया फौजी सुनील बम फटने की आवाज सुन करके अपने शिविर की ओर बढ़े तो ए बाबू उस समय हुआ का यहां बिरहा में भाव लगेल मास्टर बम के आवाज सुन के फौजी सुनील बिरवा गरज हो लगला आई गईले पापी पाकिस्तान बिरवा गरज हो बम फटने की आवाज बाबू सुने हैं तो कैंप की ओर बाबू बढ़े हैं तो हुआ क्या तुरत पाहू चलन सुनील शिविरा के बाहर तबले चला लक गोलिया पपिया तड़ तड़ रे सिनेमा में गोली लागला
बाबू जी 17 सितंबर 2016 के 3 बजे भोर में, यानी 18 सितंबर को फौजी सुनील शिविर कैंप की ओर बढ़े हैं तो पापी पाकिस्तान की सेना तड़ तड़ गोली चलाने लगी, जिसे सुनील कुमार विद्यार्थी के सीने में गोली लग गई बाबू, धरती पर गिर गए लन, देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन उस शिविर पर पापी कैलन का भाव लगल भी रहा में, पापी बन के कसाई, पापी बन के कसाई, दिहले बम से शिविर के उड़ाई, पापी बन के कसाई ना, एक कसमा पर चढ़ले शिविर में सब सूतल रहले, शिविर में सब तड़ तड़ गोलिया के दिहले चलाई, तड़ तड़ गोलिया के दिहले चलाई, पापी बन के कसाई ना, बाबूजी शहीद होने की सूचना मिलते सारा परिवार गांव जेवार सारे देश के लोग रोने पर भी सूद हो गए। आखिर फौजी की लाश कश्मीर से विमान के द्वारा रांची लाया गया तो उस समय भैल का बिरहा में भाव लग गया मास्टर, कश्मीर से लाश आईले विमान द्वारा भैया, विमान द्वारा भैया, रांची में उतरल दरमियान हमर भैया, कश्मीर से लाश तिरंगा झंडा में लपेट कर विमान के द्वारा रांची में उतरल और रांची से बाबू हेलीकॉप्टर के द्वारा गया एयरपोर्ट पर लावल गए। तो कहनाम बाका हेलीकॉप्टर के द्वारा गया में आई ले एयरपोर्ट पर भैया सलामी दी आई ले, घर परिवार रोबे जवार हमर भैया, जवार हमर भैया, तब बाहे लागल आंसुआ के धार हमर भैया, ए बाबूजी फौजी सुनील की अर्थी रांची से हेलीकॉप्टर के द्वारा गया एयरपोर्ट पर जब उतरल सलामी दिहल गईल, वहां से गाड़ी के द्वारा हजारों की भीड़ में बुकनारी गांव जब आईल तो सुनील के बड़े भाई अधिकारियों से बताए कि अगर सेना की कमी है, अगर सेना की कमी है तो मैं बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय जब गांव में अर्थी आयल तब भैल का विदेशिया का भाव लगल, कि अरे एयरपोर्ट से अर्थी उठा, वो कनारी गांव में आई गई ले, ओ
अरे पीट पीट कर छाती रोवे बाबू मातारी बिलखेला तिरिया घरावा सुना भैला से जरिया हो अरे हाय रे विधाता कैसान दिहाला आफाती कि सुधीर ओम प्रकाश भैया ए बाबू फूका फारे छतिया अरे चीखा चीता कारा रवे गाँव आज तीनों बिटहिनिया रोवे आरती अंशुवन सीताजी अरे दुई वर्ष के आयरन बेटवा बिलखेला ना जारी ए बाबूजी जब 9 बजे सुबह फौजी क्लास बोकनारी गांव आइल लाखों की भीड़ उमड़ पड़ल माई बाबूजी बिलखत हुवन भाई दोनों रोवत हुवन गांव घर टोला मोहल्ला इलाके के लोग बाबू रोने पर विवश हो गए तो उस समय भाव लगल विरह में काम अगना में माई रोवे दुआरा पर बाबूजी हो अगना में माई रोवत हवन दुआरी पर बाबूजी रोवत हवन झरझर झरझर बाबू महतारी के आंस से आंसू बाबू छलत बा अगना में माई रोवे अगना में माई रोवे दुआरा पर बाबूजी हो भैया रेनू बहिनिया बिलखत बा बाबू भैया ए हमर भैया कहाँ चल गए भैया हमने के प्यार दुलार के दे भैया तू ही एगो सहारा रहला घर में भैया ए बाबू किरण दुल्हिन भी बाबू बेहोशी अवस्था में पड़ी है सुन के बेहोश भैनी सुन के बेहोश भैनी किरण दुलहिन आहो दाता वाला
भैया, आंगन में माई रोवत हुमन, दुआरी पर बाबूजी रोवत हुमन, रेनु बहिनिया के आंख में आंसू झरझर झरझर चलत बा। भैया ए भैया, तू ही ना एगो सहारा घर में रहला भैया, पूरा परिवार के परवस्ती चलावत रहला भैया, आंख में आंसू बाबू बहत बे, बड़का भैया सुधीर और छोटका भैया ओम प्रकाश भी रोवत हुवन। किरण दुलहिन बेहोशी अवस्था में पड़ी है, लेकिन छोट बिटिया अंशिता बाबू रो रो के अपने बाबू के याद करत हुन। कैसे याद के लेवा मास्टर? कि हमर पापा हो, हमर पापा हो, कहाँ गईला मनी के बिसा, बाबूजी छोटकी बिटिया बाबू पापा पापा कह के रोवत बे। कहानी का हमर पापा हो, हमर पापा हो, कहाँ गईला हमन के बिसा, अपने बाबूजी के याद करत हुन। छोटकी बिटिया बाबू अंशिता रो रो के गोदिया में लेके दूध भतवा खिला वाला, हथवा से एबीसीडी लिखेला बतावाला, तके दही हमनी के ममता दुलार, हमर पापा हो, हमर पापा हो, हम गईला हमनी के बिसार, पापा कहाँ चल गईला पापा, हमरे के गोद में लेके दूध भात खिलावत रहला पापा, तू इन हथवा धर के भी सीडी लिखावत रहला पापा। ए बाबूजी बहिनी के देख के दुई बरस का चिराग आयरन बेटवा भी रोवत हुन बाबू। पत्नी किरण कुमारी होश में होती है तो छाती पीट पीट कर बाबू बिलखत हुन रोवत हुन। कैसे पहपट में लाइन लग गई मास्टर? कि अरे मारे मुका छतिया जीवन सथिया कहाँ गईला हो, कि मारे मुका छतिया जीवन सथिया कहाँ गईला हो, बिलखे नारी खटिया जीवन सथिया कहाँ गईला हो, बाबू। किरण जब होश में होती है तो छाती पीट पीट कर रोवत हुन बिलखत हुमन। भाइनिया भागिन हम बिरहिनिया, हमारी मांग धोवैली हो, लिखी विधना का यही विधि, जवानी में दुख पैली हो, बिलखत हुन कहाँ चल गेला
हमनी के छोड़ के कहाँ चल गेला। अब कैसे हम बचपन के रखी बतावा थुआ रो करके। लगे भैया मन रतिया जीवन सथिया कहाँ गईला हो, बिलखे नारी खटिया जीवन सथिया कहाँ गईला हो। ए बाबूजी, जिस समय फौजी की अर्थी बोकनारी गांव से विष्णु पथदास संस्कार के लिए निकला, लाखों के भीड़ में मैं भी उस जगह पर पहुंचा। और जिस समय 2 बरस का बेटा आयरन राज को अपने पिता का मुखाग्नि देते देखा तो रोने पर मैं बेबस हो गया बाबू। सारे लोग के आंख में आंसू बहे लगल, क्या भगवान की लीला है। पत्नी किरण खटिया पर रोवत हुन बिलखत हुन, हे भगवान अब बच्चों की क्या हाल होगी। सभी लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं, मैं भी उनके घर पर जाकर परिवारों को संतावना दिया। तो यहां सदर अल्लाह में कहना पड़ा का कि कमा क्या चांदा देखे पानी में मालहावा। अरे वैसे ही बिरनवा बाबू सपना में दिखा, सितंबर 2016 वाला दिना। वही दिन बिरनवा गईले स्वर्गवा सीधा, दसवा के खातिर बाबू शहीद होई गई। गामा में गोता गईले गाँवा जेवा, बिहार सरकार दिले 11 लाख के चेका। जादव गया संकी ओर से 81,000, एक लाख रुपया दिलन सांसन पप्पू जादा। तीनों बिटिया न के बिया है खातिर भार, ये भी स्कूल के प्रिंसिपल का इलान घोषणा। बाबूजी, इधर बिहार सरकार की ओर से 11 लाख की चेक प्रदान हुआ, गया जिला जादव संघ की ओर से 81,000 मिला, तथा सांसद पप्पू जादव ने 1 लाख रुपया नगद दिए और तीनों बेटियन के शादी के समय 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की, तथा डीएवी स्कूल के निर्देशक यूएस बाबू ने तीनों बेटियन के +2 तक निशुल्क पढ़ाने की घोषणा की। लेकिन बाबूजी, डुमरा के विजय जादव, कोडिहरा के अजय जादव एवं हसपुरा के संजय जादव का विशेष सहयोग रहा। इधर
18 नौजवान शहीदों के 10 दिन भी ना भैल रहे तब तक हमारे हिंदुस्तान की पैरा कमांडो पाकिस्तान वालों को कैलन का कहानी का आखिरी भाव में शहीद 18 सैनिक के ना 10 दिन बीतल पीरवा कश्मीर उरी के बदलवा चुकौलन बीरवा हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो एलओसी पर अब जाए हो 4 घंटा में 7 आतंकी कैंपों को उड़ाए हो। हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो कश्मीर उरी के बदला लेने के लिए तैयार थे। एलओसी पार करके करीब 3-4 किलोमीटर अंदर घुस करके 4 घंटा में 7 आतंकवादी कैंप को उड़ा दिए, जिसे 38 आतंकवादी एवं 2 पाकिस्तानी सेना की मारे जाने की ताजा खबर मिली। 18 के बदला में 40 मार गिरावन बिरवा कश्मीर उरी के बदलावा चुकौलन बिरवा जय जखार जद्दू हबीबुल्ला विजय बाबू की फुलेवा ओपी दर सुरेंद्र भंटा लाल की तैयारी पानी पर हम कुर्बानी होइबे पानी पर हम कुर्बानी होइबे गायक भंटा लाल बीरो